नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे इसमें हम जो ICDS के रिलेटेड, आंगनवाड़ी सेंटर्स के रिलेटेड और पोषण ट्रैकर के रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो अपलोड करते हैं, और उसके रिगार्डिंग जो ICDS के रिलेटेड जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो देते रहते हैं। तो उसके लिए आज का टॉपिक जो है हमारा वो है आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस। ये देखने में आया है कि जो बहुत कम आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो कि ये जो एस्पेक्ट है इस पर ध्यान देती हैं, तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसका रेलिवेंस क्या है। उसके लिए हम सबसे पहले पोषण ट्रैकर में जाएंगे। तो पोषण ट्रैकर में आपको पता ही है कि जैसे होम में जितने जो फोल्डर्स वगैरह आते हैं, जब नीचे आप देखेंगे बेनिफिशरीज है, फिर डेली ट्रैकिंग है, होम विज़िट है, मोर है, मोर पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक और फोल्डर खुल आता है, सबसे ऊपर रिसोर्सेज आता है, फिर इवेंट है, फिर वेरीफाई आधार है, बेनिफिशरी रिड्रेसल, बेनिफिशरी माइग्रेशन, रेज इशू, आंगनवाड़ी सेंटर यूज़र, और फिर आता है आंगनवाड़ी सेंटर AWC स्टेटस। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ऊपर लिखा है कि पास्ट मॉनिटरिंग जो चेकलिस्ट है, जो पहले मॉनिटरिंग चेकलिस्ट इसमें 20/12/2022 जो पर्टिकुलर आंगनवाड़ी सेंटर का पोषण ट्रैकर मैंने खोल के रखा है, इन्होंने 20 दिसंबर को ही इसको अपडेट किया था। तो नीचे एक लाल सी पट्टी आ रही है, उसमें है ऐड न्यू चेकलिस्ट। तो इसमें जब हम ऐड न्यू चेकलिस्ट, इसमें है कि सबसे हम पहले बात करते हैं कि जो चेकलिस्ट है जहाँ मॉनिटरिंग है, इसका क्या मतलब होता है। जो मॉनिटरिंग का मतलब होता है आम भाषा में निगरानी। तो हम जो आंगनवाड़ी सेंटर में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी चाहिए, और जो सुपरवाइज़र्स जो आंगनवाड़ी सेंटर की मॉनिटरिंग करते हैं उनको उनमें विज़िट करते हैं, उन्हें भी चाहिए कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं छोटी छोटी हैं लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर। तो कि ये जो चीज़ें हैं आंगनवाड़ी सेंटर में, इनका अच्छा रखरखाव होना चाहिए। तो जे इनकी हम निगरानी करेंगे, आंगनवाड़ी वर्कर भी इनकी हर महीने में देख लें कि ये चीज़ें ठीक हैं, चाहे इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये रिलेटेड हैं हमारे जो आंगनवाड़ी सेंटर में बेनिफिशरीज़ हैं उनसे रिलेट करती हैं। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को चाहिए कि वो मंथ में एक बार एटलीस्ट जो मॉनिटरिंग चेकलिस्ट है उसमें गो थ्रू करें, क्योंकि ये जो चेकलिस्ट है जे आंगनवाड़ी वर्कर को रिमाइंड करवाएगी कि जे चीज़ें हैं हमने साफ़ सफाई रखनी है, हमने जो जे एस्पेक्ट हैं इन पर प्रॉपर ध्यान देना है। तो इसमें देखो सबसे पहले लिखा है आंगनवाड़ी सेंटर प्रीमिस क्लीन्ड एवरी डे, कि जो हर दिन जो आंगनवाड़ी सेंटर का प्रीमिस है, आंगनवाड़ी सेंटर है, उसमें साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो यहाँ यस ही लिखना है, आंगनवाड़ी वर्कर को चाहिए कि वो साफ़ सफाई आंगनवाड़ी हेल्पर से ज़रूर वहाँ करवाएं। तो उसके बाद किचन कैप्ट क्लीन, कि जो आपका रसोई घर है वो क्लीन होना चाहिए जहाँ खाना बनता है, तो इसमें भी यस लिखेंगे और आंगनवाड़ी वर्कर वो उसको क्लीन वगैरह रखें। उसके बाद जो टॉयलेट है, मतलब जो शौचालय है, वो क्लीन होना चाहिए और वहाँ वॉश्ड एंड वॉश्ड एवरी डे, जहाँ जैसे लिखेंगे। उसके बाद स्टोरेज एरिया कैप्ट, स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे हम जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वहाँ पे चावल वगैरह रखती हैं, जहाँ दूसरी जो न्यूट्रिशन आइटम्स हैं वो रखी जाती हैं, तो वो साफ़ होना चाहिए और वो फ्री होना चाहिए रोडेंट वगैरह से, पेस्ट वगैरह से, जो छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह हैं उनसे फ्री होना चाहिए। तो इसमें भी यस करेंगे। उसके बाद स्टोरेज ऑफ इन्ग्रेडियंट्स एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ द स्टेट, जो हम इन्ग्रेडियंट्स जो मिलते हैं, जो आंगनवाड़ी सेंटर में न्यूट्रिशन आइटम्स मिलती हैं, उनको जो स्टोरेज करना है जैसे स्टेट की गाइडलाइन है उसके मुताबिक ही स्टोर करना है। उसके बाद है स्टोरेज ऑफ THR एज़ पर गाइडलाइन ऑफ द स्टेट, तो यहाँ भी यस ही करेंगे कि जो टेक होम राशन है उसका जो स्टोरेज है वो स्टेट की गाइडलाइंस के मुताबिक ही करना है। उसके बाद है डिसइंफेक्टेंट पेस्टिसाइड स्टोर सेपरेटली एंड लेबल्ड, जो
पेस्टिसाइड्स होते हैं या डिसइनफेक्टेंट्स होते हैं उनको सेपरेटली ही स्टोर करना चाहिए और वहाँ पे लेवलिंग लिखा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये डिसइनफेक्टेंट है ताकि ये कहीं पे मतलब खाने वाली चीज़ों के साथ नहीं उन वो मिल जाए और बाद में परेशानी क्रिएट करें। तो ये जैसे ही लिखना है उसके बाद कोई फ्यूल है, केरोसिन ऑयल है या मिट्टी का तेल है, जिसे जो केरोसिन ऑयल होता है, मिट्टी का तेल, चारकोल होता है, जो कोयला वगैरह होता है, इनको सेपरेटली ही स्टोर करना चाहिए। तो इसमें भी यस लिखेंगे। पोर्टेबल वाटर अवेलेबल, पोर्टेबल वाटर मतलब जो पानी है पीने वाला वो अवेलेबल है प्रीमिस में, तो ये यस ही होगा। जहाँ पे जेवी जो गाइडलाइंस है आंगनवाड़ी सेंटर्स में कि जो आंगनवाड़ी सेंटर में सेफ ड्रिंकिंग वाटर ज़रूर अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो आता है कि फूड सेफ्टी एंड हैंडलिंग, जो फूड है उसको सेफ रखना है और अच्छे ढंग से हैंडल करना है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है कि जो कुकिंग एरिया, जो खाना बनाते हैं जहाँ आंगनवाड़ी हेल्पर, वो क्लीन होना चाहिए, वो साफ़ होना चाहिए। उसके बाद यूटेंसिल्स एंड इक्विपमेंट क्लीन, यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन जो आपके वहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चों के लिए या बेनिफिशरीज के लिए गिलास होते हैं, उसके बाद प्लेट्स वगैरह होती हैं, उन वो साफ़ होनी चाहिए, वो साफ़ रखनी है आंगनवाड़ी हेल्पर को। तो इसमें भी यस लिखना है। उसके बाद लोकली परचेज्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एज पर गाइडलाइंस, इसमें जो जो लोकली हम परचेज़ करते हैं इंग्रेडिएंट्स वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के होनी चाहिए और गाइडलाइंस के मुताबिक ही होने चाहिए। जो जैसे जो मस्टर्ड ऑयल है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। जब भी आप के जो सुपरवाइजर्स हैं या न्यूट्रिशन प्रोक्योरमेंट कमेटी है जिसमें जो सरपंच हैं वो चेयरमैन हैं और सुपरवाइजर मेंबर सेक्रेटरी हैं, जब भी आपको ऑयल वगैरह मिलता है या दूसरी न्यूट्रिशन आइटम मिलती हैं, आपने अच्छे ढंग से देख लेना चाहिए कि जो आंगनवाड़ी सेंटर में जो आइटम्स मिल रही हैं वो क्वालिटी वाइज मतलब अच्छी क्वालिटी वाइज मिल रही हैं या नहीं, तो वो आपने अच्छी क्वालिटी वाले ही लेने हैं। उसके बाद आयोडाइज्ड ऑब्लिक डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट, पहले होता था कि जो सॉल्ट होता था कहते थे कि जो सॉल्ट है वो आयोडाइज्ड ही यूज्ड करना है, उसको हम एक और टर्म देते थे, उसको बोलते थे फोर्टिफाइड सॉल्ट। लेकिन आज के टाइम में चेंज हो गया टाइम, इसमें कहा जाता है कि जो हमने सॉल्ट, सॉल्ट मतलब जो नमक यूज़ करना है वो डबल फोर्टिफाइड होना चाहिए। डबल फोर्टिफाइड मतलब दो चीज़ों का उसमें मिश्रण होता है, एक आयोडीन तो होता ही होता है, उसके साथ आयरन भी मिक्स किया जाता है। तो आयरन और आयोडीन क्योंकि दो होते हैं इसलिए इसको बोला गया है डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट। तो आपके आंगनवाड़ी सेंटर में आपने इंश्योर करना है कि जो वहाँ पे साल्ट हो, जो सुपरवाइज़र और जो जो न्यूट्रिशन प्रोक्योरमेंट कमेटी है पंचायत की जिसमें सरपंच चेयरमैन ने पहले भी बात की थी, तो इसमें जो साल्ट है वो डबल फोर्टिफाइड ही लेना है, तो इसमें यस करना है। उसके बाद जो कोडिमेंट्स हैं, कोडिमेंट्स होता है जो चटनी है या अचार वगैरह है या स्पाइसेस जिसको डालते हैं आप सब्जियों वगैरह में, दालों वगैरह में, जिससे कि वो टेस्टी हो जाती हैं, तो वो भी आप अगर रखते हैं आंगनवाड़ी सेंटर में तो वो भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। उसके बाद जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, आपने ये ज़रूर याद रखना है कि वहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर में जो वेजिटेबल आप न्यूट्रिशन जो बनाते हैं, जो हार्ड कुक्ड मील बनाते हैं, उसमें अगर वेजिटेबल्स वगैरह का यूज़ करते हैं तो वो फ्रेश होनी चाहिए। क्योंकि आपके माइंड में ज़रूर आना होगा कि क्योंकि वेजिटेबल तो हमें आंगनवाड़ी सेंटर में मिलती नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जैसे आंगनवाड़ी सेंटर में एक जो न्यूट्रिशन गार्डन या पोषण वाटिका का प्रोविज़न है, वो आप लोग ज़रूर वहाँ पे पोषण वाटिका एस्टेब्लिश करेंगे, वहाँ सब्जियाँ वगैरह लगाएंगे, और जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं वो आंगनवाड़ी सेंटर में जो मिड डे मील मिलता है, जहाँ हार्ड कुक्ड मील बेनिफिशरीज को मिलता है, उसमें यूज़ करना होता है। तो इसमें भी हम यस ही लिखेंगे। उसके बाद पल्सीज वगैरह हैं, जो दालें हैं जे एज़ पर जो गाइडलाइंस ही परचेज़ की जाती हैं। उसके बाद शुगर है, शुगर ऑब्लिक जो जैगरी, जैगरी होता है गुड़, शुगर होती है खांड, जो चीनी है जहाँ गुड़ है वो भी एज़ पर, जैसे हमारे जहाँ तो गुड़ वगैरह नहीं होता है, जहाँ चीनी वगैरह कई एक जो प्रोजेक्ट्स हैं वो परचेज़ करते हैं, तो ये गाइडलाइंस के मुताबिक ही परचेज़ की जाती है, इसीलिए इसमें भी जैसी होगा। उसके बाद पर्सनल हाइजीन मेंटेन, ये आंगनवाड़ी वर्कर्स को ध्यान रखना है कि जो बेनिफिशरीज हैं, खासतौर पर जो बच्चे आते हैं आंगनवाड़ी सेंटर में, उनके जो नाखून वगैरह हैं वो कटे होने चाहिए, उनको हैंड वॉशिंग के बारे में बताना है, वो नहाए धोए होने चाहिए,
उनके जो ड्रेसिंग सेंस है वो ठीक होना चाहिए, उनकी जो ड्रेस है वेल क्लीन होने चाहिए जी। आंगनवाड़ी वर्कर्स को आंगनवाड़ी सेंटर में ये जो चीज़ें हैं जी ध्यान में रखनी है। उसके बाद है प्रॉपर पर्सनल बिहेवियर, जो आंगनवाड़ी वर्कर का बिहेवियर है, क्योंकि इससे ही जो आंगनवाड़ी सेंटर में जो बच्चों को ECC प्रोवाइड करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, क्योंकि ये जो बच्चे हैं जो आंगनवाड़ी वर्कर का जैसा बिहेवियर होगा तो वैसे ही उनकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप करेगी। इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर को चाहिए कि आंगनवाड़ी सेंटर में जो अपना जो पर्सनल बिहेवियर है वो अच्छे ढंग से रखें, अच्छे ढंग से बच्चों से बात करें, क्योंकि जो बच्चे हैं इस एज में जो सीखते हैं बच्चे वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू ज़्यादा सीखते हैं। तो इसलिए जैसा उनका बिहेवियर होगा बच्चों का भी वैसा ही बिहेवियर डिवेलप होगा। इसलिए यहाँ यस लिखना है और इस पर आंगनवाड़ी वर्कर को, आंगनवाड़ी हेल्पर को और हमें सबको इसमें एक्ट करना है कि हमारा जो आंगनवाड़ी सेंटर में बिहेवियर है, चाहे हम सुपरवाइज़र हैं, CDPOs हैं, उनका बच्चों के सामने अच्छा बिहेवियर होना चाहिए और वैसे भी अच्छा बिहेवियर सोसाइटी में होना चाहिए। उसके बाद है हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस। जे आपको पता है कि हैंड वॉशिंग पे अगर हमारे जो आगे बच्चों के जो हमारे हाथ साफ होंगे उससे बड़ी सारी जो बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए आंगनवाड़ी वर्कर को चाहिए कि आंगनवाड़ी सेंटर में प्रॉपर बच्चों को टॉयलेट जाने के पहले और बाद में और खाना खाने के पहले जो हैंड वॉशिंग जो प्रैक्टिस है वो अच्छे ढंग से कराएं, अच्छे साबुन से हाथ धोएं। उसके बाद फूड सर्व्ड इन क्लीन प्लेट्स एंड बाउल। जब फूड सर्व करते हैं हम देखते हैं कि कहीं एक आंगनवाड़ी सेंटर है कि जैसे हम प्लेट्स वगैरह लेंगे या बाउल्स वगैरह लेंगे वो कोलियाँ वगैरह जो होती हैं उसमें थोड़ी डस्ट होती है, तो इन चीज़ों का आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर ध्यान रखें कि जो प्लेट्स हैं और जो बाउल्स हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा फूड या वेस्ट डिस्पोज प्रॉपरली एंड सेफली। ये भी एक प्रॉब्लम देखने में आई है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहाँ पे जो एक्स्ट्रा फूड या वेस्ट वगैरह होता है उसके लिए वहाँ जो डस्टबिन वगैरह हैं वो नहीं लगाए गए हैं, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को चाहिए कि वहाँ ज़रूर आंगनवाड़ी सेंटर में जो डस्टबिन वगैरह लगा लें और साथ में जो एक्स्ट्रा फूड है उसको जो डिस्पोज ऑफ करना है वो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर दें। तो उसके बाद है सेंटर क्लीन्ड आफ्टर डेज वर्क। जब पूरा आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चे चले जाते हैं तो हेल्पर को चाहिए कि एक बार दोबारा से जो आंगनवाड़ी सेंटर है अच्छे ढंग से साफ कर दें। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद है फूड सेफ्टी एंड हैंडलिंग। क्वालिटी ऑफ फूड रिसीव्ड बाय आंगनवाड़ी वर्कर एज़ पर गाइडलाइन। तो यस, जो आपने क्वालिटी रिसीव करनी है, जो आंगनवाड़ी सेंटर में जो न्यूट्रिशन प्रोक्योरमेंट कमेटी है जो जो आपको न्यूट्रिशन वगैरह देती है, जो फूड आइटम्स देती हैं, आपने देखना है कि क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज जितनी क्वालिटी जो आपका चलान में लिखी हुई है आपने उससे कम नहीं लेनी, आपने पूरी उतनी ही लेनी है। और आपने देखना कि जो क्वांटिटी है वो भी ठीक ही होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए एज़ पर गाइडलाइन ऑफ द स्टेट होनी चाहिए। उसके बाद पैकेजिंग इंटैक्ट एट डिस्ट्रीब्यूशन। जब आपको न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है वो पूरा पैक्ड होना चाहिए, तो जी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और उसमें जो लेवलिंग है वो ज़्यादा ध्यान देखना, जैसे आंगनवाड़ी सेंटर में बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं जहाँ जो मस्टर्ड ऑयल वगैरह मिलता है, जहाँ जो उसके बाद सॉल्ट वगैरह है, तो उसमें लेवलिंग लिखी होती है कि हाँ जी मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है और बेस्ट बिफोर मतलब 6 महीने के पहले यूज़ करना है या 1 साल के पहले यूज़ करना है। उसमें आपने देखना है कि कोई आइटम एक्सपायर तो नहीं है, तो ये आंगनवाड़ी वर्कर को की जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद है कि स्टॉक रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर जो हैं वो अपने प्रॉपरली मेंटेन करने हैं। हालांकि जो MIS सिस्टम के जितने 11 रजिस्टर थे वो रिड्यूस हो गए हैं, वो जो बर्डन है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपके पास पोषण ट्रैकर आ चुका है। फिर भी कुछ एक जो रजिस्टर हैं जैसे न्यूट्रिशन रजिस्टर है या स्टॉक रजिस्टर है वो आंगनवाड़ी वर्कर को चाहिए कि वो प्रॉपरली मेंटेन कर दें। जैसे स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन प्रॉपरली, तो इसमें यस करना है और आंगनवाड़ी वर्कर को जो स्टॉक रजिस्टर है वो मेंटेन भी करना है। उसके बाद डिलीवरी ऑफ हार्ड कुक्ड मील मीटिंग विद गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट पर बेनिफिशियरी, कि जो हमने हार्ड कुक्ड मील वगैरह देना है बेनिफिशरीज को जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं जो स्केल के मुताबिक ही देना है, तो इसमें भी यस करेंगे। उसके बाद डिटेल ऑफ क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट मेंटेन, जो लोकली परचेज्ड है उनको हम जो क्वालिटी है सॉरी क्वांटिटी है इंग्रेडिएंट्स को उनको मेंटेन रखना है। और उसके बाद कुछ क्योंकि जो लोकली परचेज जो हमारी मोस्ट ऑफ द आइटम्स होती हैं जो प्रोक्योरमेंट कमेटी है वो लोकली ही परचेज करती है,
और उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम FCI. FCI का मतलब होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. तो जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उससे जो हमारे चावल हैं आंगनवाड़ी सेंटर में जो राइस हैं वो FCI से मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ भी यस लिखेंगे. तो रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेसिंग यूनिट की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जहाँ जो न्यूट्रिशन आइटम है, वो हम प्रोसेसिंग यूनिट से नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ पे नो होगा. उसके बाद है कि आंगनवाड़ी सेंटर हैज़ डिटेल ऑफ परचेज ऑफ क्लीनिंग एजेंट, सो क्लीनिंग एजेंट्स कामा सोप एट्सेट्रा, जो सोप वगैरह साबुन वगैरह परचेज करते हैं उनकी पूरी डिटेल होनी चाहिए. हालांकि ये जो चीज़ें हैं ये CDPO ऑफिस से ही आंगनवाड़ी वर्कर को मिलती हैं, और आंगनवाड़ी वर्कर क्या करे कि उनको जो आपका रजिस्टर है, जो स्टॉक रजिस्टर है, उसमें प्रॉपरली लिख दें, वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए. तो यहाँ भी यस ही लिखेंगे. उसके बाद आंगनवाड़ी सेंटर हैज़ डिटेल ऑफ परचेज ऑफ डिसइनफेक्टेंट्स पेस्टिसाइड, तो मतलब जो परचेज किए हैं डिसइनफेक्टेंट्स हैं या पेस्टिसाइड है, हालांकि ये आंगनवाड़ी वर्कर्स परचेज नहीं करती हैं, ये जो है ये CDPO ऑफिस से ही परचेज होती हैं, तो यहाँ भी यस लिखना है और सबमिट कर देना है. तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को चाहिए, क्योंकि ये देखने में आया है कि बहुत सारी जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जो मॉनिटरिंग चेकलिस्ट है, जो आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस है, इस पर बहुत कम ध्यान देती हैं, तो वो क्या करें कि जो महीने के एक बार जो जे एस्पेक्ट है जे ज़रूर देख लें, क्योंकि जे इससे एक तो जे होगा कि आपके जो माइंड में जे चीज़ घर कर जाएगी, जे चीज़ पता चल जाएगी कि इन इन चीज़ों का हम लोगों ने ध्यान रखना है, और दूसरा जो आपका जो रिकॉर्ड है वो वेल मेंटेन्ड होगा. तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद.